हामिद ने दाढ़ी रखी हुई है, उसकी बेगम कहती है कि दाढ़ी कटवा दो, उसके बारे में शरी हुक्म क्या है? क्या वो अपनी बेगम के कहने पर दाढ़ी कटवा सकता है जबकि उससे कुछ घरेलू मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखिए, दाढ़ी रखना एक कब्जे से ज़्यादा ये वाजिब है, और इसको कम करना या बिल्कुल मूंढना ये हराम है जी। हदीस में ये आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूंछें कतरवाओ, कम करो। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मूंढने वालों पर लानत फरमाई है। तो मखलूक की फरमाबरदारी में अल्लाह ताला की नाफरमानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और न ये जायज़ है। इसलिए अगर उनकी जानिब से कोई ऐसा मुतालबा है भी तो उस पर कतान अमल न किया जाए, दाढ़ी रखना ज़रूरी है। तो बाकी ये कि परेशानी या घरेलू मसाइल है, तो घरेलू मसाइल इससे हल नहीं होता है, नहीं होते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी इख्तियार की जाए, बल्कि घरेलू जो मसाइल है वो इससे हल होते हैं कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आ जाए। तो अपने लिए दुआ कर ले, कोई सदका खैरात कर ले, तो इससे ये है कि वो परेशानियाँ हल हो जाएंगी, वो मसाइल हल हो जाएंगे। और ख़ास कर अपनी बेगम के लिए, बीवी के लिए भी दुआ कर ले, इसलिए कि ये तो एक मुसलमान के लिए बहुत हलाकत की बात है कि वो दूसरे मुसलमान को इस बात पर मजबूर कर ले कि वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ख़त्म कर ले। तो मुस्तकिल अपने लिए और उनके लिए दुआ का एहतमाम करे और कोई सदका खैरात कर ले, इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे।